कैसा लगा मम्मी सरप्राइज? कभी सोचा नहीं था कि इतना ऐसा सरप्राइज मिलेगा। सोने की अंगूठी, सोने का हार, ये सब तो ठीक है। ऐसा कभी नहीं सोचा कि होटल ताज में, नाम ही सुना था, बाहर से फोटो खिंचाते थे पहले। ओके तो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई और आपने थंबनेल देख लिया है, मम्मी पीछे आ रही हैं। मम्मी को पता ही नहीं है, मम्मी के लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज प्लान्ड है। ये है मम्मी, हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, पुणे से जाएंगे मुंबई। तो चलते हैं, देखते हैं जैसा भी रहेगा रास्ते में। देखो मजा आने वाली है बहुत, है ना। सो स्टे ट्यून्ड। लिए मेरे भैया भी मुंबई में है, वो चले गए थे, आए थे यहाँ पुणे, आप लोगों को पता होगा भीमा शंकर वगैरह हम घूमे साथ साथ में, और मेरे भैया वही मिलने वाला है मुंबई में ही। एक्चुअली सरप्राइज क्या है वो मेरे भैया को भी नहीं पता है। मेरे भाई बोल रहा था कि तू लावा में क्यों लिया होटल करके, उसको क्या पता भाई कि ताज होटल किया गया है और ताज होटल है हमारा कोलाबा में ही। तो मम्मी को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि मम्मी, एक्चुअली मम्मी का बर्थडे है और 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल के दिन, ठीक है। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं बढ़िया सा, मम्मी का बर्थडे यहीं से मना के भेजते हैं। तो ये मम्मी के लिए छोटा सा एक बर्थडे प्लान है। क्यों जा रहे हैं हम लोग मुंबई? मस्ती करने। मस्ती करने। अच्छा मस्ती करने जा रहे हैं। एक दिन में क्या मस्ती कर लोगे तुम? जितनी हो सके करेंगे एक दिन में। चलो तो एक दिन में जितनी मस्ती हो सके करेंगे मम्मी। यार सरप्राइज है, सरप्राइज है, नहीं पता है ब्रो। चलो तो बस आने वाली है, हम पहुंच गए अपनी जगह पुणे मुंबई। तो ये आ गई हमारी बस। चलो भाई चला जाए मुंबई। अभी बज रहे हैं 7, हम लोग 11 बजे तक पहुंचेंगे। ओके तो अभी एक स्टॉप लिया है छोटा सा, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, KFC, बर्गर किंग, स्टारबक्स, सब कुछ है यहाँ पे। यहीं पे रुके हैं अभी, कुछ खाए पियेंगे, ये हमारी बस है और देखते हैं कुछ नाश्ता करते हैं यार। तो यहाँ पे ले रहे हैं अपन पोहा, इडली और चाय। तो ये आ गया हमारा इडली, दिस इज चटनी और ये है पोहा। खिला देना अंकल उसको, है ना पूरा। हाँ तो फिर आप रखो, आप हाँ खिला देना। चलो चलो मम्मी। तो अभी मुंबई पहुंच चुके हैं। ये कौन सा एरिया है? ये सायन सर्कल है और यहाँ से जा रहे हैं अभी कोलाबा। तो वहीं पे भैया भी वहीं आ जाएंगे, वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ से वो कोलाबा आ जाएंगे। उनको अभी तक बताया नहीं गया है, वो आ जाएंगे और मम्मी पीछे बैठी हुई हैं। तो चलो लेट्स गो। तो ये अशोक भैया के हिसाब से मुंबई 3 दिन में कम्प्लीट हो सकता है आपका, अच्छे से 3 दिन में। तो जिसको भी मुंबई घूमने आना है, 4 दिन 3 दिन का प्लान बनाओ, बढ़िया प्लान बनाने का। एक एक पॉइंट हमेशा एक साइड घूम के देख के, एक दिन आराम करने का, फिर दूसरे दिन जाने। हाँ बढ़िया। तो ये बात कोई तकलीफ भी नहीं। क्यों मम्मी कहाँ जा रहे हैं फिर, कुछ पता चल रहा है तुमको? कुछ नहीं पता। मुंबई में है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई में है, कहाँ जा रहे नहीं पता। मम्मी होटल ताज कहाँ पे रहोगे आप? अच्छा मम्मी एक चीज़ बताओ, हाँ तुमको कैसा लगेगा अगर ताज में रुकने जा रहे हैं हम लोग? कभी सोचे ही नहीं। हाँ कभी सोचे ही। चलो तो ताज में रुकने जा रहे हैं। हाँ सही में मम्मी को यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, सरप्राइज दिया जा रहा है। सही में नहीं पता। हाँ सच में। चलो सही में तू? हाँ सही में। हाँ सही में। अरे गजब, अरे गजब, सही बताओ। आगे वाले में चला गया, ये टावर है ना? हाँ ये टावर है, यही अंदर। तुमको पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। चलिए थैंक यू भैया, मैं पे करता हूँ ना। हो गया पे, हो गया। चलिए थैंक यू मम्मी। सामान तो ये दोस्तों आ चुका है सामने गेटवे ऑफ इंडिया। मम्मी सरप्राइज, सरप्राइज। तो ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया है और हम लोग यहाँ पे आएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल चलते हैं होटल में चेक इन करते हैं। कैसे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। चलो इतना ज्यादा ही मत करो। हाँ चलो अंदर भाई, फोटो लेते लेना, पहले चेक इन कर लेते हैं सामान, अंदर देख लो। सोचा नहीं होगा कभी। क्यों खुश हो मम्मी? खुश हो मम्मी है? तो अभी क्या है कि मैं चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया मेरा गोप्रो देखे कि सर अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग।
एंड ताज का यार पता है आप लोगों को बहुत सीन वगैरह हो चुका है तो, एंड हम कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करते हैं इनका जो भी टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं। तो ये हमको हमारी रूम की मिल चुकी है, मजे करो। मम्मी बार बार एक ही सवाल पूछ रही कितना पैसा लगा। तो ये हमारे रूम की मिल गई है और रूम रेडी है और हमने लिया है सी फेसिंग रूम। ये छोटा बस हमारा सामान ज़्यादा नहीं है। क्या नहीं सोची थी मम्मी? क्या बात है, सपने सच किए जा रहे हैं दोस्तों। होटल ताज में रुका जा रहा है, देख सकते हैं आप, सेक्सी प्रॉपर्टी दोस्तों। मजा आ रही मम्मी? कोई नहीं यार, सच में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सीरियसली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। तो 609 हमारे रूम है सबसे लास्ट वाला, दिस इज 609 मैं फर्स्ट। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, वाओ, आई कांट ब्रीथ दिस, व्हाट अ व्यू डूड। ये हमारा रूम है क्योंकि सामने है गेटवे ऑफ इंडिया और ये हमारा रूम है। माय गॉड भाई साहब मजे आ गए, मजे आ गए। ये रूम का एक अलग से पूरा टूर दूंगा मैं, मम्मी नीचे बैठी हुई है, ये रूम का अलग से पूरा टूर दूंगा मैं, वो अलग अगला वीडियो आएगा। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, मम्मी देख के मतलब पागल हो जाने वाली है इसको एकदम यार। हम नीचे जाएंगे वहां भी सब मजे करेंगे यार, देखते हैं मम्मी बाकी इसको देख के एकदम खुश हो जाने वाली हैं। चलो तो मम्मी को लेके आते हैं, इस रूम का पूरा टूर मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका रूम टूर का। फिलहाल मम्मी को बुलाते हैं। जाओ, जाने की इतनी जरूरत ही नहीं है। जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसा है रूम मम्मी? कितना सुंदर, देखो तो सामने, देखो निको। हाँ दिखा दिया है मैंने। मजा आ गया, अरे 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 बापरे तो सुंदर लग रहा है। वाह, ये फेरी मम्मी नीचे चलेंगे घूमने? नहीं घूमे वैसे, ये खुलता नहीं है ना। मैं इसका पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा बाद में। तो यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, फिर भी मैं जितना हो सका कर रहा हूँ गाइस, आई मीन दोस्तों। अरे ये मम्मी नहीं, अलाउड नहीं है यहाँ पे बोल रहे हैं, स्विमिंग पूल साइड अलाउड नहीं है, अंदर चलो अंदर बैठो। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है यार, मैं बता नहीं सकता, लाइक सपना लग रहा है कि ताज होटल में आके रुके हुए हैं। तो मैं अभी आया था टॉप फ्लोर पे इसके और मुझे लगा कि रूफ टॉप होगा, बट यहाँ पे कोई रूफ टॉप नहीं है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाता हूँ नीचे वापस। मज़े कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, सही है यार, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भैया भी आ गए, मेरे भैया और मम्मी वहाँ पे, और ये है सामने हमारी बिल्डिंग जो इसमें हम रुके हुए हैं। और हमने सोचा कि थोड़ा बाहर घूमते हैं, खाते पीते हैं, तो हम जस्ट बाहर निकले कोलाबा मार्केट, हमने सोचा हम देख लेते हैं। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे खा नहीं सकते, खाना बहुत ज़्यादा महंगा है ताज होटल का खाना, लाइक 400 रुपये की एक रोटी है, 500 रुपये की एक कप चाय है। तो हमने बोला बाहर ही देखते हैं कुछ, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे थे कोलाबा में, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे और बाहर घूम भी लेंगे। तो बस मेरी मम्मी और भैया पीछे आ रहे हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ खाने, जो कि मैंने ऑलरेडी गूगल मैप में देख चुका था। मम्मी खाना खाने के बाद, तो ये मार्केट है कोलाबा मार्केट, यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट जिसको बोलते हैं। तो ये है कोलाबा मार्केट और जस्ट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है विच इज़ फूड इन, हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे और काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी। तो ये आ चुके हैं हम लोग फूड इन में और ये मम्मी, ये मेरा भाई भी आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो रोटी का प्राइस क्या है, 26 रुपये है ना। और आप देख सकते हो बस 180 मीटर हम लोग चले हैं पैदल और यहाँ पे हम लोग आ गए, क्योंकि तो ताज होटल में बहुत महंगा खाना था, हम लोग वहाँ पे खाए नहीं, यहीं पे खाएंगे खाना। लेट्स सी, वेरी नाइस जी। आप ये हमारा खाना आ चुका है, जिस पनीर मखनी, दाल रोटी, पापड़, बटर नान, गार्लिक नान, पूरा कंप्लीट फूड। थैंक यू भैया। तो हमारा खाना वगैरह हो गया, बढ़िया, कैसा था मम्मी खाना? खाना बहुत अच्छा, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया, बिना तेल बिना मसाला। सही बात है, एकदम बिना तेल बिना मसाला खाना बहुत अच्छा। अब हाँ एकदम पास में मिल गया और वो रहा सामने ताज, तो एकदम जस्ट ताज के पीछे ही आपको मिल जाएगा फूड इन।
तो मस्त है, अच्छा खाना था। अरे मम्मी का फिर हो गया, परेशान मम्मी हो चुकी हैं ज्वेलरी देख के। चलो देखते हैं जाएंगे हम लोग कहाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। थोड़ा DSLR वगैरह भी लिया हुआ यार हमने, फ़ोटो वोटो खींचे जरा जाके दोस्तों। चलो दोस्तों, तो ये हम लोग आ चुके हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे चेकिंग है, इसके आगे निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई सामने गेटवे ऑफ इंडिया, और जस्ट इसके ऑपोजिट में है हमारा होटल जो कि है ताज। ओहो नाइस, और मैं खूब सारा सनस्क्रीन लगा के आया हूँ, मेरे को टैनिंग नहीं चाहिए भाई, गोवा में बहुत बुरी टैनिंग हुई थी। स्वामी विवेकानंद का स्टैचू बना हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। तो खूब सारी फ़ोटो वोटो ले ली गई है दोस्तों, और चेहरा दिखाएंगे यार, चेहरे के लिए क्यों परेशान होते हो। पहले सामने देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरा चेहरा देखने से अच्छा आप ये देखो कितना सुंदर है ये। और ये हमारी मम्मी मुंबई के बाजू में फ़ोटो खिंचाते हुए, और यहाँ पे मुंबई का गंदा पानी, और अपना होटल ताज। तो बढ़िया फ़ोटो वोटो हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। तो अभी वापस आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में, सब थक गए, और ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है अभी, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है इस पर सनलाइट पड़ रही है, सनसेट की सनलाइट बहुत प्यारा दिख रही है गेटवे ऑफ इंडिया। और मेरे भैया भी रूम में आ चुके हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, सनसेट हो चुका है, और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। तो ये बन रही है यहाँ पे हमारी कॉफ़ी, तो ये है कंसनट्रेटेड मिल्क है, ये दूध पाउडर नहीं है यहाँ पे, मिल्क पाउडर, दिस इज़ कंसनट्रेटेड मिल्क। तो ये हमारी बन चुकी है चाय, बढ़िया मम्मी की चाय। मैं चाय वगैरह कभी नहीं पीता, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीता मैं, बट मेरे को आज थोड़ी वाइब्स लेने का मन हो रहा था। और ये कप्स इतने सुंदर, इनकी कटलरी इतनी सुंदर है भाई की क्या बताएं। सो हम बस मज़े लेने के लिए इनकी चाय पी रहे हैं, बाकी मैं चाय वगैरह कुछ नहीं पीता। तो यहाँ पे मैंने अभी ताज में कनेक्ट किया है, और टेलीग्राम पे मैं डील्स डाल रहा हूँ अभी आप लोग के लिए, तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाके फॉलो करो, दिन भर वहाँ पे आपको डील्स देता रहता हूँ मैं। तो अभी देखो यहाँ ताज होटल में आने के बाद भी वही काम कर रहा हूँ, जाके फॉलो करो मुझे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड डलवा रहे हैं, दादा भी आके रहेगा, तो मेरे भैया भी यहीं पे रुकने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डलवा लिया है एक्स्ट्रा बेड, और इस एक्स्ट्रा बेड का चार्ज मैं आपको बताऊँ कितना है, तो ऑलमोस्ट 4,500 रुपये और ये एक्स्ट्रा बेड के लिए। तो ठीक है, इट्स ओके यार, ताज होटल बार बार नहीं आते, तो हम लग चलो मेरा भैया भी यहाँ पे रह लेगा, मम्मी मैं, हम तीनों आज यहीं पे रहेंगे, मज़े करते हैं आज। अभी जा रहे हैं बाहर, मम्मी ये देखो मम्मी लिपस्टिक लगा रही हैं, टीवी बंद करी जाए और चला जाए बाहर, लैपटॉप मेरा काम भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी मैं और मम्मी निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, और नीचे भैया भी वेट कर रहे हैं, लॉबी में ही बैठे हैं वो, सो लेट्स गो। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, और ये बाहर से दिखता है ऐसा ताज होटल रात में। हम लोग का प्लान है मरीन ड्राइव जाने का, लेट्स गो, मम्मी नहीं गई आज तक मरीन ड्राइव, लेट्स गो गाइज। ओहो ये है मुंबई की जान मरीन ड्राइव भाई, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है दोस्तों, बट स्टिल अच्छा दिख रहा है। लाइट नहीं आ रही है, रुको मोबाइल में स्विच करता हूँ। ओके, तो GoPro से शिफ्ट हो गए हैं OnePlus 8T में, और इसमें दिख रहा है भाई बढ़िया एकदम नाइस, पूरे कलर के साथ अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बढ़िया। लोग 2 किलोमीटर चल के आए हैं, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं करी, नाइस वेरी नाइस। ओके, तो रास्ते में ऐसे ही चलते चलते अभी हम लोग को वापस रिटर्न जा रहे थे एक अच्छा रेस्टोरेंट, लेकिन क्या हुआ कि मम्मी बोली कि अब नहीं चल पाएंगे ज़्यादा, तो हम रुक गए यहाँ पे वेदांत सागर, गूगल मैप्स में दिखा है, वो बैठी हैं मम्मी और मेरा भैया, तो यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं, दिस इज द मेन। तो चलो बस खाते हैं यार, यहाँ पे डोसा वगैरह मंगवाया है, लेट्स सी कैसा है टेस्ट, क्योंकि गूगल मैप्स में बहुत अच्छी रेटली, और वो आ गया डोसा, और अभी और आ रहा है पाव भाजी आ रही है, मुंबई आए और पाव भाजी नहीं खाए भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मस्त एकदम पाव भाजी ले ली गई है यहाँ पे। और ये आ गई हमारी लास्ट डिश चिली पनीर। तो बढ़िया से अपना खाना वगैरह सब हो गया यार डिनर, और बहुत अच्छी जगह थी वो वेदांत सागर जो भी एक रेस्टोरेंट था, इतना अच्छा खाना मिला, सिर्फ 600 रुपीज। अब क्या यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, फिर भी अभी 800 मीटर्स बचा है, तो मैं अभी यही ख़त्म करता हूँ, कल सुबह उठता हूँ, कल सुबह उठने के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ, जो हमारा ब्रेकफास्ट है वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ दिन भर से। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइज, आप देख सकते हो सामने बढ़िया से हो चुका है सनराइज़, और ये है हमारे गेटवे ऑफ इंडिया, और व्यू हमारे रूम से, वाह
क्या बात है, मस्त एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सो लेट्स गो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद फ्रूट। यहाँ पे अगेन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो ये पनीर पराठा और वो है उत्तपम। और यहाँ पे खाने की इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं नाम भी नहीं जानता आधों का तो, और खा भी नहीं सकते हम। तो मम्मी अपनी प्लेट सजा के आई हैं। दिस इज़ कुम्पाओ, हीरा, पोटली समोसा, दिस इज़ बेग बीन्स, खांडवी, वेजीज, पता नहीं क्या है, साबुदाने की खिचड़ी, फ्रेंच टोस्ट, हरा पराठा, अच्छा दाल बड़ा, ढोकला। मैं अगेन यहाँ पे ले आया हूँ फ्रेंच टोस्ट, इडली और वो बड़ा, और अभी और कुछ कुछ आ रहा है। तो ये आ गई है पूड़ी भाजी, पेल के पूरा खाया जा रहा है, और खाना भी चाहिए यार इतने पैसे दिए है कि नहीं मम्मी। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब खाएंगे। और मम्मी ने बुलवा लिया डोसा यहाँ पे है। मम्मी मान नहीं रहे हो तुम्हें, भर भर के प्लेट लेते जा रहे हो, पूरा फायदा उठाया जा रहा है दोस्तों। चलो देखे जरा क्या क्या खा रहा है, ये नाम बता दे चल क्या क्या खा रहा है, खा तो रहा है चल बता। इसका नाम बता क्या है? ये चॉकलेट टोस्ट। टोस्ट तो है ही नहीं वो कहीं से। अच्छा ये क्या है? ये फ्रूट ब्रेड है। तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि तो खाना बहुत अच्छा है और बहुत सारा है, एक कोने से दूसरे कोने तक खाना ही खाना है। तो उन्होंने गिफ्ट में हमको ये दिया है 1903 का ताजमहल पैलेस का कॉइन, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्वाइट नाइस। तो अब चलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं। चलो तो अभी हमने छोटा सा थैंक यू नोट लिख दिया है। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम एंड बाय बाय टू दिस व्यू। यार ये सच में बहुत बहुत ही प्यारा था। ये तो बहुत ही अच्छा है। कैसा रहा मम्मी फिर, मजा आई? अच्छा मेरा, चलो भैया बहुत बहुत अच्छा था, मजा आया। तो ये भैया जा रहे हैं मेरे, यहीं दादी ही रहते हैं। कहाँ रहता है? अंधेरी में रहता है, अंधेरी वेस्ट में रहता है ये। और मैं और मम्मी यहाँ से निकलेंगे। चलो कैसा लगा ताज में बता दो। एक नंबर, मज़ा आ गया, अच्छा एक्सपीरियंस, एक नंबर। चलो चलो मम्मी, अब हम लोग भी करते हैं कैब और चलते हैं। चलो मम्मी आओ। ये मम्मी रोने लगी, मेरे भैया चले गए तो मम्मी रो रही है, देखो पूरे आँख में तो भाप जम गया। यार ताज होटल बहुत सेक्सी है यार, सही में मज़ा आ गया। चलो तो हम भी ज़रा कैब बुक कर लें। तो भाई छोड़ दिया हमें होटल ताज, बाय बाय टाटा। और बहुत अच्छा स्टे रहा ताज में। वापस जा रहे हैं पुणे, अपन जा रहे हैं दादर, वही अपनी शिवनरी बस स्टैंड जहाँ से अपन हमेशा जाते हैं। लेकिन पापा को, हाँ पापा आ जाते यार, बहुत मिस कर दिया अपन ने। ताज में रोज रोज रुकते क्या? अभी नहीं है। तो घर पहुंच गए फाइनली, और ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग मेरा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और अगर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है तो मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।